नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो देखो भैया, एक मैच इंडिया वुमेन जीती, एक मैच ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीती। अब ये जो मैच का जो सीरीज है ना, वो अब डिसाइड करने वाला है कि अब किनके तरफ ये मैच जाने वाला है, इंडिया सीरीज जीतती है या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतती है। अब सारा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा एक एक चीज बारीकी से। बस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलो डिस्कस करते हैं, समझते क्या कहानी है। मैच 9 जनवरी 7 बजे शाम को यानी कि कल होने वाला है। अब एक एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा क्या क्या कहानी रहा है अभी तक, कैसे इंडिया टीम पहला मुकाबला जीती, दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में जीती, क्या क्या है, पिच वही रहने वाला है, सारा कुछ कहानी। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है और देखो वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर है। अब देखो थोड़ा मैं पेसर स्पिनर, देखो मैंने हर वीडियो में आपको बताया हूं, दोनों जितने भी इनके मैचेस निकले थे इंडिया वुमेन ऑस्ट्रेलिया वुमेन का, सारा सीरीज मैंने फॉलो किया था। तीसरा मुकाबला ये होने वाला है, ये भी फॉलो कर रहा हूं। और मैं पिच रिपोर्ट बता देता हूं, हर बार मैंने आपको बताया 6-6 विकेट पेसर निकाले और 5-5 विकेट स्पिनर निकाले दोनों मुकाबले में। एक चीज ध्यान रखना, जितना यहां पर पेसर को मदद है उतना ही स्पिनर को यहां पर मदद है। तो ये भी आप देख करके चले ना, दोनों 2024 के जनवरी में ही मुकाबला खेला गया है, तो पेसर और स्पिनर यहां पर कोई मैटर नहीं करता है। दो T20 मुकाबला जो यहां पर खेला गया था वहां पर पेसर को 12 विकेट मिले थे और स्पिनर को 10 विकेट मिला था, दोनों को मिला करके बराबर बराबर ही मानूंगा, 12-10 कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको हर मैच में बताया था, मैंने नहीं बताया था भाई कि जो टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ऐसे ही हाई हो जाते हैं। चार मुकाबला इस पिच पे हुआ है T20 का, तीन मुकाबला जो बाद में बैटिंग किया ना वही जीती है। मैंने यहां पर बोला है चेस करना यहां पर आसान काम होता है और जो बाद में ही बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। एक मुकाबला यहां पर ड्रॉ हुआ है और एवरेज जो स्कोर बनता है यहां पर 145 रन बनता है, ठीक है? तो ये भी आप देख करके चले ना, यहाँ पर स्कोर भी बनता है भाई। नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं हम लोग, जो मेरे हर वीडियो में गिव अवे रहता है 200 रुपए का, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बताना है कि सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे कौन सा बंदी देने वाली है उसका नाम लिख दो, और बैट्समैन में कौन सी ऐसी बंदी है जो सबसे ज्यादा पॉइंट देगी उसका नाम लिख दो। दो क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट में, #INW vs AUSW आपको लिख दे रहा है। अगर आपका जवाब सही हो जाता है तो आराम से 200 रुपीज आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर 32 मुकाबले दोनों के बीच में खेले जा चुके हैं, 24 मुकाबला यहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम जीती है और 8 ही मुकाबला इंडिया वुमेन की टीम जीती है। तो इनका तो थोड़ा सा वीक पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया वुमेन से, लेकिन भैया इसके बावजूद इंडिया टीम इनको हरा दे रही है ना, तो भैया ये काबिले तारीफ वाली बात है। अब चलो इनके प्लेयर का, अब ये मैच डिसाइड रहने वाला है कि कौन ये जो दोनों में से जो टीम है ना इस सीरीज कौन सी जीतती है, ठीक है? जीतने के चांसेस 40% यहां पर रहेंगे इंडिया वुमेन के और 60% चांस है ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। अब यहां से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना, बिकॉज अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो सबसे बड़ा गलती आप यहीं पे कर रहे हो। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लेना भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है? मैंने सारा कुछ डिस्कस वहां पे करता रहता हूं, फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। टीम न्यूज कोई है नहीं, इससे पहले वाला मुकाबला जीत के आई थी टीम और लास्ट वाला मुकाबला हार गई इंडिया की टीम। अब क्या क्या प्लेइंग 11 था, क्या क्या नहीं था, वो सारा कुछ मैं डिस्कस कर देता हूं। स्मृति मंदाना सेफाली वर्मा के साथ हमेशा ओपनिंग करती है, जमीमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, सारा कुछ कहानी आपको यही देने को मिलेगा। टीटा साधु आपको खेलती हुई दिखी है, इससे पिछले वाले मुकाबले में टीटा साधु ही मैच को विनिंग के और ले गई थी, अब लास्ट वाले मुकाबले में नहीं चली है भाई उतना अच्छा ढंग से, तो इस वजह से इंडिया टीम नहीं जीत पाई। अब चलो इनके प्लेयर के स्टैट्स में डिस्कस करता हूं। मैंने हर बार आपको बताया है कि स्मृति मंदाना आपको परफॉर्मेंस करती हुई दिखेंगी, बिल्कुल भी नो डाउट अपने टीम में लेके जाना। देखो अभी जो रिसेंटली 2 मुकाबला खेली है T20 में 54 और 23 रन, बहुत अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस है और ये आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे, इनको हम लोग हमेशा लेकर के जाएंगे। शेफाली वर्मा, मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था, मैंने आपको बोला था ना कि 64 रन भले ही लास्ट वाले मुकाबले में बनाई है लेकिन इस मैच में फ्लॉप होती हुई दिखेंगे, जो कि फ्लॉप हुई भाई, 1 ही रन पे आउट हो गई है, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखना, इस मैच में भी आपको ज्यादा कुछ खास ही करती हुई नहीं दिखेंगी, अगर ये करती है तो फिर इंडिया टीम जीतेगी मैच, ठीक है? तो ये भी आप देख लेना, हार्ड हिटर बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट है, 20 का एवरेज लेके चलती है। अब यहां पे देखो तो जेमिमा रॉड्रिग्स हैं और कुछ खास आपको करती हुई नहीं दिखेंगी, अभी तक एक भी मुकाबले में कुछ खास नहीं किए। नेक्स्ट आती है हरमनप्रीत कौर, पता नहीं यार इनका क्या हो गया यार, टीम को कैप्टन मतलब ये टीम की कैप्टन है, कुछ योगदान नहीं कर पा रही है भाई, परफॉर्मेंस आप रिसेंट देखो यार इनका T20 का, ना वनडे में चल रही है ना T20 ना टेस्ट, कुछ में एक परफॉर्मेंस नहीं यार इनका। अब देखते हैं क्या करती है यहाँ पे, देखेंगे जगह बनेगा लेके जाएंगे। दीप्ति शर्मा इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, किसी से मैच खिला लो विकेट निकाल के देंगी, बैटिंग करेंगी, 30 रन बनाई है लास्ट वाले मुकाबले में, 2 विकेट भी निकाली है, उससे पहले 2 विकेट निकाली है, परफॉर्मेंस इनका बहुत ही लाजवाब रहता है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा। और जो ये टेस्ट खेली थी ना उसमें भी 5 विकेट निकाल के आई थी, तो इंपॉर्टेंट बनेंगी लेकर के जाना।
और इनके 101 मैच में 108 विकेट है, 19 मैच में 22 विकेट इनका ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ। अच्छा खासा स्टार्ट से लेके जाना भाई। ऋचा घोष ज्यादा कुछ खास बनने वाले हैं नहीं विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो इनके बारे में डिस्कस करना टाइम की बर्बादी करना। नेक्स्ट आते हैं मनजोत कौर भैया, इनका तो और भी है, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, मैं इनके बारे में नहीं बोलूं तो ज्यादा बेटर है। पूजा वस्त्रेकर अब इनका देखो क्या नहीं, एक भी T20 में विकेट इनको न मिला है, लास्ट वाले मुकाबले में 2 ओवर डाली थी और 1 विकेट इनको मिला था। 55 मैच में 37 विकेट है और 5 मैच में 31 का एवरेज लेकर 3 विकेट है इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब उतना कुछ खास स्टैट्स नहीं है, मैं अभी के लिए बोलूंगा स्मॉलिंग में ट्राई नहीं करना। रेणुका सिंह भले इनको लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन बहुत ही तगड़ी वाली बॉलर है, मैं हमेशा इनको अपने टीम में लेकर के जाता हूं और इस बार भी लेकर के जाऊंगा, अपने टीम में रख लेना भाई किसी भी कीमत पे, ठीक है। नेक्स्ट आती है श्रियंका पाटिल, हर मैच में विकेट निकाल रही है, पता नहीं कहां से बॉलर आई है, क्या कर रही है, चमत्कार कर रही है। 3 मैच में इनका 5 विकेट हो गया है, परफॉर्मेंस इनके अच्छे खास है, आप लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट आती है यहाँ पे टीटा साधु, लास्ट वाले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला, उससे पहले 4 विकेट निकाली थी, इसी वजह से इंडिया की टीम जीत गई थी। अब देखते हैं इस मैच में इनका जादू चलता है नहीं चलता है, जादू चलेगा तो फिर इंडिया की टीम जीत जाएगी, वरना फिर वही होने वाला है भाई जो क्या बोलते हैं मजूर खुदा साइका इसाक। देखते हैं इनका चांसेस तभी बनेगा जब टीटा साधु नहीं खेलते हैं। कनिका ऊजा नहीं बनेगा, यस्तिका भाटिया का नहीं बनेगा, मन्नत कश्यप का नहीं बनेगा, मिन्नू मानी का नहीं बनेगा, यही सारे स्क्वाड में प्लेयर थी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल करना जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनका क्या कहानी रहने वाला है। अभी जो लास्ट वाले मुकाबला जीत करके आई उससे पहले हारी थी इंडिया टीम से, अब इनका प्लेइंग 11 देख लो, इसी अकॉर्डिंग आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलने वाली है, जैसे कि एलिसा हेली बेथ मुनी के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, कलिया मैगराज दिख जाएंगी, एसले गार्डनर दिख जाएंगे, एलिसा पैरी दिख जाएंगे, फॉयबेल स्पिल, अनाबल सदरलैंड, और लास्ट वाले मैच में तो अनाबल सदरलैंड को ज्यादा ही परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर गई। अब देखते हैं इनके प्लेयर का स्टैट्स क्या कहानी है। एलिसा हेली को देखोगे तो यहाँ पर कैप्टन प्लस विकेट कीपिंग आपको करते हुए दिखेंगे दोनों मैच में, अब जो 2 मुकाबला खेली है, 1 मैच में 26 बनाई, 1 मैच में 8 बनाई है, ज्यादा कुछ खास की नहीं है लेकिन कैचिंग और स्टंपिंग आपको अच्छा खासा पॉइंट देते हुए दिखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगी, आप लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट आती है बेथ मुनी, आप इनका देखोगे तो 20 रन और 17 रन बनाकर आई है, परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा है भाई, आप अपने टीम में लेकर के जा सकते हो, ज्यादा उनसे उम्मीद आप मत रखना लेकिन परफॉर्मेंस आपको करती हुई दिखेंगी, इंपॉर्टेंट बनेगी, लेकर के जा सकते हो। तालिया मैगराथ आपको दिख जाएंगे 19 रन और 0 रन 0 विकेट 2 ओवर है, तो ज्यादा कुछ करने नहीं है, लास्ट वाले मैच में बॉलिंग भी नहीं डाली, देखते हैं क्या करती है, हालांकि T20 में ज्यादा बॉलिंग डालती नहीं है, तो ये भी आप देख करके जाना आपको बन सकता है, इंपॉर्टेंट उतना मैं नहीं बोलूंगा लेकिन जगह बनेगा तो लेकर जाना, मैं बोलूंगा लेकर के चले ही जाना यार, बिकॉज बॉलिंग कहीं ना कहीं अगर कर गई ना तो फिर आपको वन साइडली हरा देंगे। 34 रन बना करके आएंगे लास्ट वाले मुकाबले में एलिसा पेरी, इंपॉर्टेंट बनेगी, और 37 बनाई थी उससे पहले, अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस है, 32 का एवरेज लेके चलती है, बॉलिंग करती है तो और भी अच्छा बन सकती थी। एसले गार्डनर आपको हर मैच में 1 विकेट तो निकालती हुई दिखी जाती है, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करने के बारे में मत सोचना, हालांकि देखो जो भी टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या भली इतना ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग है लेकिन इंडिया की जो टीम है इनको टक्कर दे रही है भाई, टक्कर दे रही है ये, ठीक है, तो ये भी देख लेना, विकेट इनको 1 ही मिला था। फैबल स्पीड बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो ज्यादा कुछ खास करने वाली नहीं है तो मैं इनको अभी के लिए नहीं रखूंगा। ग्रेस हैरिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाली है। नेक्स्ट आती है अनाबल सदरलैंड, आप इनका देखोगे ना तो 22 मैच में लास्ट वाले मैच में 2 विकेट निकाल गए, परफॉर्मेंस आपको करते हुए दिख जाए और परफॉर्मेंस आपको हमेशा करते हुए दिखेंगे, 9 मैच में 5 विकेट है, इनको लेकर के जा सकते हो। 4 ओवर डाली थी जॉर्जिया बेरहम, लास्ट वाले मुकाबले में 2 विकेट निकाल गई थी भाई, 4 ओवर डाली थी 2 विकेट निकाल गए, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, इंपॉर्टेंट बनेंगे, लेकर के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट बनती हुई आपको दिखेंगे। मेगन स्कटिंग का पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं इनको हर बार लेकर के जा रहा हूँ, हर बार मुझे ये धोखा दे रही है। अब क्या होता है ना कि मैं इनको अब इस बार टीम में रखूंगा ही नहीं इनको, ठीक है, तो बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो फिर भैया इनको कहानी खत्म करना है, ठीक है। किम गर्थ लास्ट वाले मुकाबला खेल गई थी डार्सी ब्राउन के प्लेस पे, 4 ओवर में 2 विकेट निकाल गई थी, तो अच्छा खासा आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 55 मैच में 45 विकेट भी इनका अच्छा खासा स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आती है सारे बेल्स के प्लेयर, डार्सी ब्राउन वगैरह आपको खेलते हुए दिखेंगे तो फिर किम गर्थ नहीं खेलेंगे, तो ये भी देख लेना, इनका अच्छा खासा स्टार्ट होता मैं नहीं बोलूंगा, जगह बनेगा तो लेके जाना वरना ड्रॉप कर सकते हो। जेस जोनासन नहीं खेल रही है, हिदर ग्राम नहीं खेल रही है, लेना किंग नहीं खेल रही है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया और क्या बोलते हैं अफगानिस्तान का जो सीरीज है वो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाकर देख लेना। अब चलो ड्रीमलैंड की टीम डिस्कस कर लेते हैं। विकेट कीपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है बेथ मुनी, एलिसा हेली, ये दोनों में से किसी एक को लेकर के जाऊंगा इस बार। अब देख लेते हैं किसको, आप डिसाइड कर लो यार, मुझे कमेंट में बताओ किसको रख रहे हो, एलिसा हेली को रख रहे हो, बेथ मुनी को रख रहे हो, ठीक है। बैटिंग सीजन में तालिया मैगराथ को रखूंगा, हरमनप्रीत कौर परफॉर्मेंस एकदम घटिया दे रही है, मैं इनको बिल्कुल नहीं रखूंगा। स्मृति मंधाना को रखूंगा, बाकी मुझे यहाँ से और कोई खास नहीं दिख रही है बैटिंग सेक्शन से, यहाँ भी देख लो। उसके बाद आती है ऑलराउंडर सेक्शन से, दीप्ति शर्मा, मैं दीप्ति शर्मा के साथ जाऊंगा, एलिसा पेरी के साथ जाऊंगा, गार्डनर के साथ जाऊंगा, अनिल सदरलैंड के साथ जाऊंगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट आती है यहाँ पे, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से मुझे और कोई खास नहीं दिख रहे हैं। रेणुका सिंह और मैगनस कट परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो फिर मेरी टीम में नहीं रहेंगी भाई। पूजा वसरेकर कुछ नहीं कर रही है, जॉर्जिया बेरहम को लेकर जाऊंगा मैं, और बाकी यहाँ से मुझे और कोई खास नहीं दिख रही है। और इस हिसाब से मैं अभी के लिए ये टीम बना लिया हूँ। मैंने लिसा हेली को रखा है, लिसा पेरी स्मृति मंदाना को रखा है, दीप्ति शर्मा मेघरात और गार्डनर को रखा है, मैगनस कट को मैंने फिर से भरोसा किया है, और डार्सी ब्राउन अगर खेलती है किम गर्थ के प्लेस पे तो फिर मैं इन्हीं को लेकर जाऊंगा। अगर किम गर्थ खेलते हैं तो फिर किम गर्थ को रखूंगा, मैगनस कट के प्लेस पे मैं हो सकता है जॉर्जिया बेरहम है उनको रखूंगा, और यहाँ से श्रेयांका पाटिल की टास साधु में से किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ से अनाबल सदरलैंड को रख लूंगा। कैप्टन मैंने इसलिए गार्डनर और मैगरात को दिया है दोस्तों। अब जो कुछ भी इसके अलावा मैं चेंज करूंगा वो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये फाइनल टीम नहीं है भाई, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। जो कुछ भी होगा डिसाइड कर लेंगे हम लोग मिलकर के। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।